तो हेलो गाइस, पुनीत इज बैक विद न्यू सम कूल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज मैं फाइनली, आप लोग बहुत टाइम से मुझे बोल रहे थे नेक्स्ट 200 के ऊपर सर कोई स्पेसिफिक सेटिंग्स बताइए ताकि हम और इम्प्रूव कर पाएँ वीडियो की क्वालिटी को, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा NX200 जो कि एक पॉपुलर कैमरा ऑलरेडी हो चुका है मार्केट के अंदर, इसकी वेडिंग सेटिंग्स, बेसिक मेन्यू सेटिंग्स और कुछ और ट्रबल शूट जो आपको हेल्प करेंगे वीडियो को और इम्प्रूव करने में, वीडियो की क्वालिटी को और इम्प्रूव करने में। ये वीडियो आपको तीन पार्ट्स में देखने को मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में आपको बेसिक मेन्यू, सेकंड में आपको वेडिंग के लिए स्पेशल सेटिंग्स और थर्ड में आपको बेसिक ट्रबल शूट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सभी तीनों वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से, बेसिक मेन्यू रन थ्रू। तो लेट्स गेट वी स्टार्टेड। तो गाइज, अभी हम हमारे कैमरा पे हैं और अगर आप ये कैमरा परचेज करना चाहते हैं तो बिलो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक डाल दी है, तो आप जा करके चेक कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं इस कैमरा को। अमेज़न पे अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है और इसके साथ ही में मैंने और भी कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने लिंक डाले हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो चलिए जंप करते हैं पहले टॉपिक के ऊपर जो कि है बेसिक मेन्यू रन थ्रू। तो बेसिक रन थ्रू में हम देखने वाले हैं मेन्यू में आपको क्या क्या देखने को मिलता है और कौन कौन सी सेटिंग्स आपको जब आप कैमरा ऑन होता है तो रखनी चाहिए। तो जनरली आपको मेन्यू में, जब आप मेन्यू का बटन दबाएंगे तो आपके सामने मेन्यू ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले कैमरा सेट आपको देखने को मिलेगा। कैमरा सेट में आएंगे तो यहाँ पे AGC लिमिट है। तो AGC लिमिट बेसिकली डेफर करती है अगर आप ISO मतलब DB को ऑटो पे छोड़ देते हैं, जैसे कि आपको पता है ज़्यादा बढ़ जाने पे नॉइज़ ऑटोमेटिकली आपके वीडियो में आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप अगर आप इसे ऑटो छोड़ रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप लिमिट डाल सकते हैं। सपोज़ करिए मैंने 18 dB इस पर लिमिट रख दिया है, तो जब आप ऑटो पे ISO को चलाएंगे तो किसी भी लो लाइट सिचुएशन के अंदर ये 18 dB से ऊपर नहीं जाएगा, और 18 dB से अगर ऊपर नहीं जाएगा तो नॉइज़ नहीं आएगा। अगर इससे ऊपर चले जाता है तो ऑब्वियसली नॉइज़ आने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो आप लिमिट डाल सकते हैं ऑटो पे चलाने के बावजूद भी, इस कैमरा में दे रखा है। वाइट बैलेंस प्रीसेट, तो यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, आपको मैन्युअली टेम्परेचर एडजस्ट करना है या फिर इंडोर और आउटडोर ऑटो प्रीसेट इसमें दे रखे हैं। तो मैक्सिमम लोग मेन्यू मैनुअल वाइट बैलेंस टेम्परेचर पे रखते हैं बिकॉज ऑफ दे नीड टू कंट्रोल केल्विन डिग्री अपने अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद आउटडोर लेवल होता है, तो अगर आप आउटडोर पे शूट कर रहे हैं तो आउटडोर लेवल को भी आप घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से आकर के। और अगर आपने केल्विन सेलेक्ट करा है तो केल्विन आपका इस टेम्परेचर सेट से कंट्रोलेबल है अगर आपने केल्विन को सिलेक्ट किया हो, जो कि मैनुअल सेटिंग है। फिर यहाँ पे डिजिटल एक्सटेंडर दे रखा है तो इसे ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जूम सेट दे रखा है अगर आप क्लियर इमेज जूम चाहते हैं, जो कि जो इसका 12x जूम इसमें दे रखा है ऑप्टिकली, उससे ऊपर भी आपका कैमरा जूम कर जाए और पर वहाँ पे थोड़ा बहुत आपका पिक्चर में जो क्वालिटी का फ़र्क आएगा वो आएगा। बट अगर आप इमरजेंसी के अंदर आपको चाहिए होता है तो आप क्लियर इमेज जूम को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा जूम मिल पाए। स्टडी शॉट, हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो लोग हैंड हेल्ड शूट कर रहे हैं, तो अगर आप हैंडल शूट कर रहे हैं तो इसे आप एक्टिव पर रख लीजिए। एक्टिव पर रखेंगे तो आपका जो वीडियो वो स्टेबलाइज्ड आएगा कंपैरेटिवली स्टैंडर्ड पे जो आ रहा था। स्टैंडर्ड पे जनरली आप अगर ट्रायपॉड पे आते हैं तो ट्रायपॉड पे स्टैंडर्ड शूट किया रहता है, बट अगर आप हैंड हेल्ड शूट कर रहे हैं तो आपके हाथ का शेक होता है, तो ये आपको 3x का फुटेज स्टेबलाइजेशन देता है ताकि आपके हाथ से कम शेक रिकॉर्ड हो। बट आप ध्यान रखिएगा आपका फ्रेम क्रॉप हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको वाइड एंगल का जो है लॉस होगा। उसके बाद स्लो एंड क्विक मोशन दे रखा है, तो अगर आप स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको XAVC से हटके AVCHD फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा, तब जाके ये स्लो मोशन वीडियो शूट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसके अलावा सीन सिलेक्शन है, तो ये ऑटो के लिए ऑप्शन है, जो सीन नाइट सीन है और सनराइज सनसेट है, फायर वॉश है, तो ये सारे के सारे ऑटो सीन सेट हैं। अगर आप ऑटो पर कैमरा शूट करते हैं तो इनमें जिस भी टाइप की सिचुएशन में आप शूट कर रहे हैं, सपोज नाइट में शूट कर रहे हैं, सनराइज हो रहा है और पटाखे जल रहे हैं मतलब फायरवर्क्स और लैंडस्केप पोर्ट्रेट, तो उस हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। ऑटो बैक लाइट वाला ऑप्शन ये आप ऑन कर दीजिए, ये ऑटो फोकस के लिए है। तो ये कैमरा पे फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस दे रखा है ताकि आपके सामने कोई भी ह्यूमन बीइंग हो तो उसके फेस के ऊपर ये रिकॉग्नाइज करता है ऑटो फोकस को, तो इसको ऑन करके आप फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस को ऑन कर सकते हैं। तो ये पिक्चर प्रोफाइल है, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखनी होती है नीचे, तो अगर आप ऑफ करेंगे तो जो कंपनी ने बताया है रेड गामा, जो कि इस कैमरा की स्पेशलिटी है,
तो वो रेड गामा आपको इसमें देखने को मिलेगा। और रेड गामा के ऊपर काम करके जो कंपनी बोलती है प्री सेट रेड्स आपको अच्छे ये कैमरा रिकॉर्ड करके देगा, तो वो आप इससे निकाल पाएंगे ऑफ करके, आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ऑन करने के बाद आपको मल्टीपल पिक्चर प्रोफाइल्स दे रखे हैं, जिसके बारे में आगे जो हमारा वेडिंग वाला वीडियो है, वेडिंग के लिए आपको कौन कौन सी पिक्चर प्रोफाइल सेलेक्ट करनी चाहिए, कैसे कैसे हमें चीज़ों को चेंज करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप मुझे बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फिर इसके बाद आप रिकॉर्डिंग सेट में आएंगे, तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है। रिकॉर्डिंग सेट के अंदर आपको सेट करना पड़ता है XAVC और AVCSD। तो AVCSD एक बेसिक कंप्रेशन रेट है, अगर आप काम कर रहे हैं इस पर तो 32 GB पे भी कैमरा रिकॉर्डिंग करने की फ्लेक्सिबिलिटी देगा। वरना अगर आप XAVC पे आते हैं तो XAVC एक हाई बिट रेट वाला कोडेक है, तो आपको उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैमरा की क्वालिटी देखने को मिलेगी, जितना मैक्सिमम ये आपको दे पाएगा। उसके साथ ही में आपको 64 GB का कार्ड नेसेसरी है लगाना, अगर आप 64 GB के कार्ड पे नहीं काम कर रहे तो आपको ये XAVC जो है कोडेक शूट करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देगा। तो बहुत सारे कस्टमर्स मुझसे पूछते हैं 32 GB कार्ड नहीं काम कर रहा बिकॉज ऑफ आप XAVC शूट कर रहे हैं। मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप हाई क्वालिटी इस कैमरा का परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो XAVC ज़रूर शूट करिए। XAVC आपको बहुत ही हाई क्वालिटी फुल HD फुटेज शूट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देगा। इसके बाद 4K है, तो 4K ऑब्वियसली ये कैमरा 25P पे शूट कर सकता है 100 MBPS के ऊपर। तो इसके लिए भी आपको 64 GB कार्ड मिनिमम रिक्वायर्ड है हाई स्पीड वाला, पर आप ध्यान दीजिएगा कैमरा आपको 25P पे ही शूट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो 25P जो है लोग मुझे बोलते हैं जर्क आना स्टार्ट हो जाते हैं वीडियो में, बिकॉज ऑफ जो 25 होता है वो बेसिक फ्रेम रेट होता है, ठीक है, वीडियो के लिए। तो जो 4K कैमराज अभी आ रहे हैं राइट नाउ मार्केट के अंदर, वो एक्शन वाले सीन को शूट करने के लिए नहीं बने, बिकॉज ऑफ अगर कोई भागता दौड़ता सीन हो तो उसके लिए एटलीस्ट 50 फ्रेम्स रिक्वायर्ड होते हैं टू गेट वो जो भागता दौड़ता सीन है, और कोई आपके ज़्यादा हाथ हिल रहा है तो उसके अंदर वो शेक ना रिकॉर्ड हो। इसलिए 25P जो है वो बेसिकली इंटरव्यूज़ और स्टिल सब्जेक्ट्स के लिए बनाएं, तो अगर आप स्टिल सब्जेक्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो 25P आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी देगा, बट अगर कोई रनिंग सब्जेक्ट होगा तो उसमें शेक आना आपको ज़्यादा दिखेंगे। तो ये ध्यान रखिए अगर आप 4K शूट कर रहे हैं तो स्टिल सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा इसे यूज़ करिए, वरना आपको थोड़ा वीडियो जो है ब्लरी दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे लोग जो AVCSD शूट करते हैं उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो हमेशा आई फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आई को मत यूज़ करिए बिकॉज ऑफ आई पुराना हो गया है, इसे इंटरलेस बोलते थे, उसके बाद अब पी आ चुका है जो कि प्रोग्रेसिव स्कैनिंग है। आई और पी में डिफरेंस होता है कि जब आप कैमरा पैन करते थे तो आपको जो है जर्क दिखते थे वीडियो के अंदर, आई जब आप शूट करा करते थे, पी के अंदर जो है स्कैनिंग प्रॉपर आपको वीडियो में होती है और लाइन वाइज स्कैनिंग होती है, इस वजह से जब आप पैनिंग करते हैं तो आपको जो जर्क होता था जिटर इफेक्ट होता था वो नहीं देखने को मिलता, इसलिए आप आई से पी पे शिफ्ट हो जाइए। अब तो इस कैमरा में साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग भी दे रखी है बिकॉज ऑफ ये ड्यूल कार्ड को सपोर्ट करता है। आपको दो कार्डों में बैकअप चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग दे रखी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने ए और बी दो कार्ड लगा रखे हैं तो एक ही टाइम पे ये आपको फुल HD फाइल दो कार्ड्स में रिकॉर्ड करके दे देगा, मतलब एक आपका ओरिजिनल दूसरा आपका बैकअप। और फिर रिले रिकॉर्डिंग दे रखी है, तो रिले आपको हेल्प करता है, सपोज करिए आपका कार्ड एक फुल हुआ तो दूसरे कार्ड में हैंड टू एंड आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाए, तो रिले उसको सपोर्ट करता है। तो रिले भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना मैक्सिमम मैं साइमल्टेनियसली रेकमेंड करता हूँ। आफ्टर रिकॉर्डिंग सेट के अगर आप सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको ऑडियो सेक्शन भी देखने को मिलता है। तो ऑडियो सेक्शन में आपको आपको जो ऑडियो लिमिट्स हैं, XLR अगर आप माइक्रोफोन लगा रहे हैं तो उसे कैसे एडजस्ट करें, और आपका जो कैमरा से रिकॉर्डिंग में जब आप प्लेबैक सुनते हैं तो उसका कितना वॉल्यूम आना चाहिए, मतलब स्पीकर का, वो भी आप लेवल एडजस्ट कर सकते हो इन सेटिंग्स में आ करके। उसके बाद आपके पास इंटरनल माइक्रोफोन की सेटिंग्स भी हैं, आप जनरली विंड जो है वो ऑन कर लिया करिए कि विंड जो माइक्रोफोन होता है इससे क्या होता है, अगर जो विंड की नॉइज़ होती है वो आना, अगर आप डे में शूट कर रहे हैं बाहर आउटडोर तो विंड की जो नॉइज़ होगी वो आना बंद हो जाएगी, तो आप ये भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप जाएंगे नीचे डिस्प्ले से ऑप्शन है, तो मैंने बताया था मार्क आप अगर 17:9 का एक्सपेक्टेशन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से मार्क्स को आप ऑन कर सकते हैं। और इसके बाद एक और जो लास्ट ऑप्शन है जो मैं बताना चाहता हूँ जो मैक्सिमम लोगों को अच्छा लगेगा, एक तो आप असाइनेबल बटन्स पे जो इस पे एक्स्ट्रा बटन्स दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 जो बटन दे रखे हैं उनको अपने हिसाब से असाइन कर सकते हैं कि आपको कौन सी सेटिंग चाहिए स्पेसिफिक बटन के ऊपर, तो वो शॉर्टकट आप लगा सकते हो असाइन बटन के ऊपर। एक और दूसरी चीज़, लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि यार इसे हम रीसेट कैसे करें कैमरा को, क्योंकि इससे रीसेट के लिए कैमरा पे रीसेट नहीं लिखा होता, लिखा होता इनिशियलाइज। तो
रीसेट की जगह कंपनी इनिशियलाइज मेंशन करती है, तो आपको अगर कैमरा सपोज करो कोई कंफ्यूजन है किसी मेन्यू को लेकर के और आपको कोई सेटिंग समझ नहीं आ रहा है, तो आप इनिशियलाइज पे ओके मार दीजिए और इनिशियलाइज करते ही आपका कैमरा रीसेट हो जाएगा। और इसके अलावा वर्जन डिस्प्ले भी है, तो जब आप कैमरा यूज़ कर रहे हो तो वर्जन भी चेक कर लीजिए। जैसे मेरा 0.01 पे चल रहा है, मतलब मुझे इसको अपडेट कराने की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ ऑलरेडी कोई ना कोई लेटेस्ट फर्मवेयर अपडेट आ चुका है, तो मुझे इसको अपडेट करना ज़रूरी है, उसके बाद ये कैमरा और अच्छे तरीके से मुझे परफॉर्मेंस देगा। तो दैट्स इट इन दिस बेसिक मेन्यू। सेकंड जरूर देखिएगा वीडियो, उसमें बताने वाला हूँ आपको अबाउट एडवांस वेडिंग सेटिंग्स के बारे में। मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको देखने को मिलेंगे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक, तो आप ज़रूर इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लीजिए और अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अगर आप एक फोटोग्राफर है और वीडियोग्राफर है तो आज के ज़माने में इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर आपके पास नहीं है इंस्टाग्राम तो आप अपने काम को नहीं दिखा सकते बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम स्पेशली पॉपुलर है फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर्स के लिए। तो आप ज़रूर इंस्टॉल करिए, सबसे पहले मुझे फॉलो करिए, नीचे लिंक दे रखा है, और फेसबुक के भी मैंने फेसबुक पेज रिसेंटली मेरा बनाया है तो उसका भी लिंक मैंने नीचे दे रखा है, तो आप वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, स्टे रॉक।